हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने हमें पिछली वीडियो में देखा था, हमने इस एम्पलीफायर में आपको एक ऑडियो एम्पलीफायर एक अच्छा सा बना के हमने उसमें साउंड चेक करा, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं उसकी बेस हमें थोड़ी कम लग रही थी। आज की वीडियो में हम इसकी बेस को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। दोस्तों, आज हम इसमें वो छः और कैपेसिटर को ऐड करेंगे, इसे सीरीज पर ला लेना है। इसके हमारे दोस्तों ये वाला हिस्सा दोस्तों प्लस होता है, दोस्तों ये वाला हिस्सा हमारा माइनस होता है। दोस्तों तुमको करना है प्लस माइनस, मतलब हमें इस तरह से अपने कैपेसिटर को जोड़ लेना है। जैसे हम आप देख सकते हो दोस्तों, इस तरह से हमें अपने कैपेसिटर को जोड़ना है। जैसे इधर हमारा प्लस आएगा, इधर हमारा माइनस आएगा, तो हम दोस्तों इसे हम जोड़ लेते हैं। दोस्तों इस तरह से इस पर आपको पेच लगा लेना है, इस तरह से यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे दोस्तों ये दोस्तों हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। दोस्तों अब हमें दोस्तों यहाँ पर इस तरह से हम इसे कट कर देंगे। इस तरह से दोस्तों अब हमें छः दोस्तों वो मतलब दो और इस तरह से हमें ऐड करना है। दोस्तों जैसे प्लस हमारा ये है दोस्तों, माइनस ये है, तो हमारा प्लस ये माइनस ये, तो माइनस प्लस ऐसे दोस्तों हमको इस तरह से ऐड करेंगे। दोस्तों ये दोस्तों हमने यहाँ पर भी अपने ऐड कर लिए हैं। ये दोस्तों हमारे दो हो गए। दोस्तों अब हमें दोस्तों दो और को ऐड करना है। दोस्तों इसे भी हम वैसे ही ऐड करेंगे जैसे हमने उस समय करे थे, इस तरह से हम इसके भी कनेक्शन कर लेने। दोस्तों इस तरह से दोस्तों हमको इसकी भी सोल्डिंग कर लेनी है। मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपेसिटर लगे होते हैं। दोस्तों हमारे इस छोटे से इसमें एम्पलीफायर बोर्ड में हम ज़्यादा कैपेसिटर लगा देंगे, देखते क्या होता है। और इस वाले को दोस्तों यहाँ पर ऐड करेंगे। हमने दोस्तों कनेक्शन करने के बाद दोस्तों ये हमारे कुछ इस तरह से लगते हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कूल हमें लगते हैं देखने में। दोस्तों अब दोस्तों इसको हमें लेना है, दोस्तों इसको हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे इस वाली सप्लाई को इसमें ऐड कर देना है। जैसे हमारी जैसे दोस्तों हमारा ये वाला है माइनस, तो हम दोस्तों माइनस माइनस प्लस प्लस इस तरह से हम दोस्तों इसे भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे। दोस्तों जैसे ख़राब वायर होती है दोस्तों, उसमें हमारा कॉपर वायर निकलता है। दोस्तों हम उसी वायर को हम इसमें टांगे लगाएंगे। अगर दोस्तों इसे आप अगर ऑनलाइन परचेज करते हो इस टाइप के सप्लाई, दोस्तों आपको करीब ऐसी 600 या 700 रुपये दोस्तों आपको सप्लाई मिलती है। पर ये दोस्तों हमने यहाँ पर घर ही पे अपने तैयार कर ली। इससे दोस्तों क्या होता है, हमारा जो एम्पलीफायर होता है उसके जो एम्पियर उसमें इंक्रीज होते हैं, जिससे कि हमारी ऑडियो बहुत ही क्लियर निकलती है। अब दोस्तों हम इसे चेक करके देखते हैं। चेक कैसे करेंगे, इसके लिए हम पहले अपने ट्रांसफार्मर को उसमें ऐड करेंगे। दोस्तों ये हमारा ओल्ड मतलब ये है पुराना ये है हमारा पुराना वाला ट्रांसफार्मर। हमने दोस्तों इसके जो बीच वाला जैसे हमारा ये वाला दोस्तों ग्राउंड है, दोस्तों इस वाले ग्राउंड को हम ग्राउंड पर लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर इस वाले को दोस्तों हम यहाँ पर लगा देंगे। और इस वाले वायर को दोस्तों हम यहाँ लगा देंगे। अब दोस्तों हम इसमें एसी को कनेक्ट करेंगे, मतलब एसी तार को हम लगाएंगे, और उसके बाद हम इसको आपको चेक करके दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हो दोस्तों ये सारे हमने कनेक्शन से कंप्लीट कर लिए। दोस्तों इसकी सप्लाई दोस्तों हमने अब घर ही पर बनाई। दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों कितने सारे इसमें कंडेंसर हमने यहाँ पे यूज करे हैं। दोस्तों हम दोस्तों इसके जो बेस होता है दोस्तों हम इसमें उस बेस को हम इसमें चेक करेंगे। दोस्तों हम साउंड को प्ले करते हैं और उसके बाद आपको सब कुछ इसमें चेक करके दिखाते हैं। किसी भी एम्पलीफायर में कैपेसिटर बढ़ा देते हो तो वहाँ पर आपको बेस आपकी इंक्रीज ऑटोमेटिक हो जाती है। दोस्तों उससे कोई दोस्तों हमारे एमपी होते हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अब दोस्तों ये हमारा छोटा ट्रांसफॉर्मर इस प्लेट पर वर्क करने लगा आसानी से। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय दोस्तों।